हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे DRDO MTS के बारे में। जी हाँ दोस्तों, DRDO MTS के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे आज हम बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई नई भर्ती आती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, हम आपके लिए लेके आते हैं सभी जॉब की, जो है जितनी भी नोटिफिकेशन आती है सब के नोटिफिकेशन आपके लिए स्मार्ट नौकरी चैनल पर। क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप कोई भी फॉर्म जो सरकार से संबंधित हो, जी हाँ दोस्तों, यानी सरकारी जॉब से संबंधित हो, आपका जो है वो छूटना ना जाए। तो दोस्तों, हम सभी जॉब के इसलिए पूरा नोटिफिकेशन लेके आते हैं, चाहे उसमें एक ही पोस्ट हो, चाहे 1,000 पोस्ट हो, चाहे 10,000 पोस्ट हो, हम क्या करते हैं पूरा A to Z जो है आपको सरकारी नौकरी से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन ही नहीं, यहाँ पर हम आपको देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आइए टॉपिक पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखी है। जी हाँ, आप देख सकते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री और जो है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप जाएंगे यहाँ पे व्हाट्स न्यू में, तो यहाँ पे देखिए कोच्चि लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड सीनियर असिस्टेंट। तो दोस्तों, जब भी कोई अपडेट आएगी एग्ज़ाम के जो है डेट को लेके, तो वो सबसे पहले कहाँ आएगी, आप इसी पेज पे आ जाना होगा आपको। ये व्हाट्स न्यू जो आपका दिख रहा है, यहाँ पर ही आपको जो है ये लाइन स्क्रॉल जो चलते रही है इस समय आपके, यहीं पर आपको जो है हमेशा सबसे पहले अपडेट आएगी। यानी कि कोई भी वेबसाइट की, अब मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप किसी आर्टिकल या किसी चैनल या किसी पे, अगर आप पर डे नहीं जा सकते विजिट कर सकते, तो आप जो है यूट्यूब के चैनल के माध्यम से जो है अपना नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी कि एडमिट कार्ड आ चुका है। या फिर आप जो है अगर वेबसाइट पर विजिट करना चाहेंगे तो आप पर डे आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना होगा, आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है डेट मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, हमारा टॉपिक आज ये है कि 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। जी हाँ दोस्तों, 50 लाख। अब 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, आपका लोग पोस्ट है कुछ 1817 के आसपास में। जी हाँ, यानी कि अगर हम 1800 पोस्ट मानते हैं 1800, और टोटल अगर हम मोटा हिसाब ले रहे हैं कि 50 लाख लोग जो है टोटल फॉर्म भरे हैं, तो यहाँ पे अब आपको क्या होगा, पहला स्टेप आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, सबसे पहली चीज़। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जो है DRDO जारी करेगा अपना DRDO, जी हाँ दोस्तों, DRDO MTS सबसे पहले जारी करेगा आपका एप्लीकेशन स्टेटस। एप्लीकेशन स्टेटस का मतलब यहाँ पर ये हो गया दोस्तों, क्योंकि अब जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग फॉर्म भर दिए हैं, अब उन्हें जो है शॉर्ट लिस्टेड वाला ऑप्शन इनके पास है नहीं, क्योंकि इसमें DRDO में ऐसा होता नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फॉर्म में करेक्शन किया जाते हैं, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों के फॉर्म में जो है करेक्शन मिलती है, गड़बड़ियाँ मिलती है, तो उसको करेक्शन के लिए क्या करता है DRDO, उन फॉर्मों को रिजेक्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, अब आपको जो है कुछ फॉर्म्स जो है इसमें से रिजेक्ट किए जाएंगे कुछ ना कुछ गलतियों की वजह से, कोई ओवर डेट हो चुका होगा, किसी का डेट ऑफ बर्थ क्या होता है, जो एकदम बॉर्डर पे रहते हैं उनका कभी इश्यूज़ आ जाते हैं, किसी के कास्ट सर्टिफिकेट में इश्यूज़ आ जाते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें जो है बारीकी से देखी जाती है। सिग्नेचर का जो है फॉन्ट वगैरह, फोटो वगैरह किसी का सही से अपलोड नहीं हुआ होगा, तो उनको भी जो है जारी करने के लिए जो है फरमान जारी होता है, तो वापस से आपको जो है लिंक ओपन होगी, फिर इससे आप जो है उसमें फॉर्म को में अपना फ़ोटो वगैरह और साइन को वगैरह जो इश्यूज़ होंगे वो आप जो है अपलोड कर सकते हैं। किसी का डॉक्यूमेंट्स का जो फॉर्मेट था वो गलत होगा, जिसमें किसी का ब्लर आया होगा, ज़्यादा ज़्यादा ओपन मतलब कहते हैं ना क्लीन नहीं दिखा होगा, तो ये सारी चीज़ें हैं, एक सब मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हैं 1-to-1। तो ये सब सारी चीज़ें जो गलतियाँ निकलेगी इससे क्या होगा, यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस जारी होगा, और जिन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होगा उनकी लिस्ट जारी होगी, और जिन लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट होगा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को जो है एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, ये जाहिर सी बात है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको एक स्टेप और बढ़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले आपका जो आएगा वो आएगा आपका एप्लीकेशन स्टेटस। तो एप्लीकेशन स्टेटस आने के बाद ये कन्फर्म हो जाएगा कि 50 लाख लोग जो फॉर्म भरे हैं, इन सब में से कितने लोग जो है इस एग्ज़ाम के लिए जो है एलिजिबल हैं, यानी कि सही मायने में जो है आप इस लोग जो हैं जो 50 लाख में से जो छटेंगे उनके बाद जो संख्या बचेगी, चाहे वो 49 लाख हो, चाहे 45 लाख हो, चाहे 40 लाख हो, जितने भी फॉर्म जो है रिजेक्ट होंगे, ये क्योंकि अभी मैं बता नहीं सकता, कोई भी नहीं बता सकता जब तक वो पूरा जो है DRDO उसको स्कैन नहीं कर लेता, पूरा वेरीफाई नहीं कर लेता कि किस में गलतियाँ हैं किस में नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ी संख्या कम हो जाएगी 50 लाख से। जी हाँ, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ क्या, काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है लोगों के फॉर्म्स जो है रिजेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे कुछ लोगों के फॉर्म्स जो है रिजेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो बचेंगे बच्चे उनका जो है एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो सबसे पहले फिलहाल आपको जो है एप्लीकेशन स्टेटस का वेट करना होगा, उसके बाद ही जो है एग्ज़ाम डेट आएगी। तो जब भी आपका एप्लीकेशन स्टेटस जो है अपडेट हो जाएगा उसके लगभग 30 दिन, जी हाँ दोस्तों, 30 दिन के बाद ही जो है आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिल चुकी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों आप लाइक करते हैं तो हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि DRDO से संबंधित कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले हम आपको लेकर आएंगे स्मार्ट नोकी चैनल पर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। कोई भी क्वेश्चन हो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर हमारे चैनल के पेज पर भी दिया हुआ है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो आपको जहाँ से जैसा सूटेबल लगे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ।